बाल विद्या मंदिर दीदारगंज पटना सिटी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया। उपस्थित अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय अपने नवाचार एवं बच्चों में सृजनशीलता विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है, तभी तो छात्रों की संख्या में क्रमिक इजाफा हो रहा है। छात्र उत्साहित थे, वो रोबोट जेसीबी स्मोक ऑब्जॉर्बिंग ड्रोन बनाकर प्रदर्शनी में सजाए बैठे थे। विद्यालय के निर्देशक श्री अनिल कुमार एवं विजय कुमार प्रकाश ने बताया कि हम बच्चों के नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जिसमें हमारे विद्यालय के एक्सपर्ट शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के अभिभावक का पूर्ण सहयोग मिलता रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए 7 एकड़ के कैंपस में स्विमिंग पूल, घुड़सवारी पार्क, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस एवं वॉलीबॉल के लिए कई कोच उपलब्ध हैं। ये तो हमारा दूसरा साल इतना अच्छा साइंस एग्जीबिशन रहा। पिछले साल भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार तो कुछ और ही ज़्यादा अच्छा रहा। और सारे लोग जब भी विभिन्न स्कूल देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को देखने में कि हाँ, एकदम से पूरा मतलब हम लोगों ने मेहनत करके एक स्कूल ही दिखा दिया पूरा। बाकी नीचे भी बहुत बच्चे साइंस एग्जीबिशन दिखा रहे हैं, ऊपर में पूरा फूड का सारा बना हुआ है स्टॉल, तरीके तरीके की फूड वहाँ पे ऊपर बच्चे लोग भी कर रहे हैं। सारा अच्छा, सारा कुछ अच्छा रहा हम लोग का। यहाँ पे बच्चों ने कुछ बिंदी का ऐसे लगाया है कि बिंदी लगाने के बाद गेम, उधर भी सारा गेम ही था, इधर कैंडल का गेम लगा था। खैर सारे बच्चे तो अभी चले गए हैं, जो दिख रहा है अभी दिख रहा है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम उर्वशी कुमारी हुआ, मैं यहाँ पे लाइटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।